अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमत मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। राजौरी मंज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन संस्करण आमुत यथ मंज पार्टी सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तुम जिलस मंज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सान कम कर ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी नि पार्टी में शामिल सपदन तच गुलाम नबी आजादन अत मौके पे वोनमुत असेंबली इंतखाबन ब्रो पियासी जमातन लूकन ब्रो कु गुन ये तमो अत मौके पे पी डी पी नुकतचीनी करान वो जोदवे वरी जहाँ चौदह कैन असेंबली इंतखाबन मज लूको तरफ पी डी पी एस पे एतमाद कर वोट तिंदिस हकस मज कर आव ताहम तम पे पी डी पी तरफ भारतीय जनता पार्टी स अथ रलाव आमुत यम सित आम लूकन मज न सिर्फ मायूसी बल्कि नाराजगी के लबने छे वा मेडिकल कॉलेज उमाद अनप्लाई लोगों को बच्चों को रोजगार मिला और एलोकेशन जो 200 करोड़ होती थी आज वही जगह वही जमीन वही जिला वहां 400 करोड़ खर्च होता है। नतीजा यह हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो खाद्य मिनिस्टर जो आज ही नौकरी करते थे जिनको चाहे तनख्वाह का चौथा हिस्सा मिलता था उनको हटाया जा रहा और जो परमानेंट मुलाजम भी थे हर हफ्ते एक लिस्ट निकलती है उनको निकाले। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर रोल नौकरियां देने के लिए नहीं है, नौकरियों में जो है उनको निकालने के लिए बनी है और जो कैजुअल लेबर्स है उनको भी कैजुअल लेवरी से भी हटाने के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आता। अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता, चुनी हुई सरकार होती तो वो कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता जैसे आज ये फैसले लिए जाते हैं। जिस दिन से बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी उस दिन से ही रास्ता टूटा, क्योंकि जिन पे तकिया रखा था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या क्या हो जिन्होंने 2014 में वोट हासिल किए थे मेरी चनाबेरी से भी और कश्मीर को बिल्कुल साफ करके और राजौरी पुंछ से कि अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है और पठानकोट से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से कोई रोक सकता है तो एक व्हाइट पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए हम ही को वोट दे दो। लेकिन वही उसी बीजेपी में मतगम हो गए, उनके साथ सरकार में मिल गए। ये तो ऐसा है किसी बादशाह ने अपने वजीर और सिपहसालार को दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा और बादशाह घर में बैठा है कि ये उस मुल्क को जीत के आएंगे। मालूम हुआ कि वो खरीद दिया सिपहसालार भी वजीर भी तो उनकी दोनों फौजें बादशाह ही को खत्म करने आ गए। ऐसा ही हमारा जिसमानी तौर कमजोर लूकन हिंदिस आलमी दोहस पे ये आज जम्मू कशीर मज सरकारी तो गैर सरकारी सतह पे तकरीबन हुंद संज करना आव यत दौरान इमन लूकन सत यकजहती पे जोर दिन आव तत आज अत मौके पे जे एंड के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यत दौरान एहजाजस में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाजस में शामिल जिसमानी तौर कमजोर लूको तरफ वन आमुत जोदवे इंतजामिया तरफ आज तम कई आई फिर तिंद मसल अंदराव सवाल यकीन दहनी करना आई ताहम चुन कहां संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम सड़कन पे यस मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ मसल अंदराव मंग कर आमुत सरकार
हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे हैं। जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत मतलब यहाँ मतलब जो एक्ट है तो उसके तहत यहाँ इनको एक एडवाइजरी कमेटी बोर्ड बनाना था, अभी तक वो भी नहीं बनाया गया है। यहाँ हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर था, वो यूटी बनने के बाद उसको ख़त्म किया गया, अभी तक उसको मतलब दोबारा बहाल नहीं किया गया है। तो इसके साथ साथ जैसे कि मतलब हमारे जिस्मानी तो नाकिस लोगों को 1000 रुपया मंथली दिया जाता है, जो 33 रुपया दिन को इनको मतलब पड़ता है। आप ही बोलिए इस महंगाई के दौर में आजकल मतलब 1000 रुपये का जिस्मानी तो नाकिस इंसान को क्या आता है। अब हम आज फिर रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और इनको ये भी मतलब वाजे करते हैं कि 3 दिसंबर को ही हमें याद ना किया जाए, हमारे मसले जो मसाइल है बार बार उनको उजागर किया जाए, उन पर मतलब दबाव डाला जाए अफसरों पर कि ताकि वो हमारे मसले और मसाइल। यपर जहाज शुमाली कशीर हिंदिस कपवरिस मंज जिस्मानी तौर कमजोर लोगों तरफ एहजाजी रैली हुन सांज करना आमुत, यद दौरान रैली मंज मौजूद लोग इंतजामियाज खिलाफ सख्त नारबाजी करान अस। यल जन एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आव जो यदवे आज ताम कई फिर इंतजामिया तरफ तिहद मसल अंजरावनस हवाल यकीन दहनी करना आई, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लोगों तरफ च मंग करना आमज तिहद मसल अंजरावनस हवाल गन संजीद कदम तुलने यन युत जन तिम बुथिन वल मुश्किल दूर कर। हमारे साथ हर एक जैसे इंसाफी होती है, टू ही चनावरी फील्ड में अगर हम बात करें, टू ही चनावरी गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे साथ कोई इंसाफी नहीं होती है, क्योंकि हमें 1000 रुपये दिया जाता है महीने का। दे गेट इन जस्टिस फॉर्म, अगर यूटी है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है वहाँ पे होल्डर्स को क्यों दिया जाता है 2500 रुपया, यहाँ क्यों 1000 रुपये दिया जाता है? और हमारे साथ बहुत बड़ी इंसाफी है, यहाँ पे सरकार 4-4 महीने के बाद जहाँ मिलता है जो मेरे डिजाइन पर्सन है और जो मेरे जिसमें तौर मजदूर लोग जो है हर एक लिहाज से इंसाफी है। मेरे हैंडीकैप्ड को विदाउट सोशल डिपार्टमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता है और कोई इंसाफ नहीं है इनके बारे में, किसी प्रकार का इंसाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आज 3 तारीख है कि हमें 5-5 हज़ार दिया जाए पर मंथ, जो पैम मीडिया बोलता है कि हम इनको 3000 करेंगे लेकिन वो किया नहीं, बाहर किया और यहाँ क्यों नहीं किया शहर में यहाँ की सरकार के लिए। सोमपुर पापरस मज ये रात इंतजामिया तरफ ग्लोबल ट्रस्ट सील करना आव, तथा आज शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाकस मज सिविल तो पुलिस इंतजामिया तरफ कईन ट्रस्टन हुन दौर कर तिमन मज सपदन वाले काम कारुक जायजा हेन आमुत। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज अहकाम सदर सपदन पत इमन इदारन हुन मुइन करने यवान यम पत सरकारस तफसीली रिपोर्ट पेश करने यी। बचन के तू मदद कर कर से बचन तो आ सही होले ये की बोल देखिए, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, हायर अप्स की डायरेक्शंस थी कि जो ये ऑर्फनेजेस हैं, जो ट्रस्ट हैं वगैरह, उनको हम लोगों को यहाँ पे इंस्पेक्शन है आज चल रहा है। वी हैव मेड ए टीम ऑफ पुलिस रेवेन्यू सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हम लोग यहाँ पे इनका जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बच्चे हैं उनकी फैसिलिटीज क्या हैं, उनको यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है। उसी सिलसिले में जो है टीम ने यहाँ पे विजिट किया, तकरीबन 5-6 जगहों पर हम लोगों ने आज यहाँ पे नजर मारी, तो जो भी रिपोर्ट होगी हम लोगों की हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को हम सबमिट करेंगे इस सिलसिले में, एंड दिस विल कंटिन्यू। जितने भी हम लोगों के यहाँ पे ट्रस्ट हैं या ऑर्फनेजेस हैं हम लोग उनको नजर मारेंगे। इनका मकसद यही है कि जो इन ऑर्फनेजेस में फैसिलिटीज हैं वो हम लोग चेक करें और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, उनको प्रॉपर केयर मिल रहा है, उनको प्रॉपर जो फूड है, बाकी चीजें हैं, बाकी फैसिलिटीज हैं वो उनको मिल रही है, वही हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एंड वी विल बी सबमिटिंग द रिपोर्ट्स टू डिप्टी कमिश्नर एंड हायर अप्स।
बडगमस मे आज महकम जंगलात तरफ शजरकारी मुहिम हवाले तकरीबी सांस करना आमुत यथ मे जिले तरकियाती कमिश्नर बडगमस अलावा महकम जंगलात को जिम्मेदारों तो दोमें महकमन हंदोंदारों शिरकत कर अत मौक पे ये कई कुल लागना आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत शजरकारी आम कर हवाल युथन प्रोग्राम सांस प्रेथ वर्य कर ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागन य अभी जैसे डीएफओ साहब ने आपको बताया कि हमें 2/3 एरिया में ना प्लांटेशन चाहिए, फॉरेस्ट कवर चाहिए, तो इसी सिलसिले में हर गांव हरियाली जो एक कंपेन है ये मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं कि हर जितने गांव हैं पंचायत हैं उनमें अच्छी खासी प्लांटेशन हो, लोगों के तावन से पार्टिसिपेशन के साथ हो, पंचायत के तावन से हो, तो उसी ड्राइव को हमने किक स्टार्ट किया। इनफैक्ट ये काफ़ी दिन से चल रही है, डीएफओ साहब इस पर काम भी कर रहे हैं, भाई फार्मली मैं भी इसमें आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मेरी अपील लोगों से ये होगी, पंचायत से ये होगी कि उस कंपेन में पूरी तरह हमारा साथ दें और हर गांव में प्लांटेशन अच्छे तरीके से करें। जैसे हम सीड बाल दिए हैं, वो लो कास्ट और इसमें काफ़ी कम लेबर लगती है, काफ़ी सक्सेस रेट अच्छा है इसका। तो कोशिश हमारी यही है कि 2/3 जो लैंड है उसमें फॉरेस्ट कवर हमारा होना चाहिए, तो उसे अचीव करने के लिए कंपेन चल रही है। फ्रूट मंडी पृथ्व पुलवमस मज आज महकमे हार्टिकल्चर तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज महकम को जिम्मेदारों तो महरों अलाव मुकामी बाग वाले शिरकत कर अत मौक पे ये महरों तरफ बाग वाले कटाई खाद तो दोमें चीजन हंदिस इस्तेमाल हवाल जान फराहम करना आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिथन प्रोग्राम सांस रोज ब्रोह कुन जारी युत जन मुकामी बाग वाले फायदे वात बड़ जोर बन बाकी मैंने एज एरिया मार्केटिंग ऑफिसर पुलवामा मैंने विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर उनको यहाँ पे बनाया और यहाँ पे केवी के अवंतीपुरा से मैंने साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे लाए। तो ये जो यहाँ पे प्रूनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ का फॉर दिस फ्रूट के लिए, तो उनको मैंने कहा कि यहाँ पे उनको प्रैक्टिकली यहाँ इन द गार्डन ये ऑर्चर्ड्स हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाते हैं, फिजिकली उनको यहाँ पे माहिरों को ला करके उनको यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके अलावा इनके साथ बहुत सारा इनका थ्रेड भी डिस्कस्ड हुआ, तो यहाँ पे दवाई का मसला था इनको, बाकी प्रूनिंग का मसला था, खाद वगैरह का था, फर्टिलाइजर वगैरह कैसे डालनी है, कब डालनी है, कैसे डालनी है, प्रूनिंग कैसे करनी है, और इनको यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे इनको दिखाया हमने। तो कीवी केवी के यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, उनको प्रैक्टिकली दिखाया और अच्छी तरह से इनका क्रिटिसिज्म वगैरह भी हुआ, डिस्कशन भी अच्छी तरह से हुआ, बड़े सेटिस्फाई हो गए यहाँ ये। और उनको हो सकता है कि किसी जगह इनको भी अपनी जगह होते हैं लूप होल्स होते हैं, तो किसी जगह कोई ऐसी टहनी काटनी होती है जो काटनी नहीं होती है, तो इनको अच्छी तरह से उन्होंने आपस में डिस्कस किया अच्छी तरह से साइंटिस्ट के साथ, आमने सामने यहाँ पे आपके सामने ही इन्होंने बिल्कुल वीडियो उठा के यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिकली दिखाया कौन काट दिया टहनी, कौन नहीं काटनी है, किसमें ग्रोथ है, किसमें नहीं है, किसमें फ्रूट है, किसमें नहीं है, तो इनको अच्छी तरह से दिखाया। और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक फर्स्ट टाइम ये पहला ही है यहाँ पे अच्छा जो कैंप हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्होंने करवाया और आगे से भी यहाँ पे बिल्कुल मेरा इनिशिएटिव है तो मैं इनको करवाऊँगा। कुलगमस मज ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त कर हवाल ट्रैफिक महकम तरफ खसूसी मुहिम शुरू कर आमच यद दौरान ट्रैफिक कानून खिलाफ वर्जी कर वाले ट्रांसपोर्टरन खिलाफ आज कार्रवाई तमल मज आई ये जिम्मेदारों तरफ ट्रांसपोर्टरन वन आव तम ग ट्रैफिक कानून पे सख्ती सान अमल करें युत जन तम खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न य। हम सबको पता है कि हम रूल्स क्या हैं, ट्रैफिक नॉर्म्स क्या हैं, इनका बेसिक मकसद क्या है, बट एट द एंड हम लिटरेट हैं बट एजुकेटेड नहीं, हमारे पास इलम है बट अमल नहीं है। तो दैट इज़ द बेसिक मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो इलम हमारे पास है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें।
ठीक है, जैसे रिसेंटली यस्टरडे कल क्या हुआ, अंडर सेक्शन 199A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 अमेंडेड इन 2019, उसमें क्या हुआ कि एक जुवेनाइल है, उसने जो है किसी का जो है वो मतलब हिट किया, उसकी डेथ हो गई, और उसकी वजह से चूंकि वो जुवेनाइल था तो उसके फादर को जो है 3 साल की जो है वो इंप्रिजनमेंट हुई। अगर आप जो है ये गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं तो व्हाट कैन आई से, सो सोच बदलने की जरूरत है, थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है। बिकॉज जैसे हजन बंडपोर के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आम यदव मुकामी नहरी हिं सफाई अमल मज अन जमींदारन हूं जरी जमीन पे गुशिल सपुद तो अम हवाल कई आई फिर महकमा इरीगेशन कैन जिम्मेदारन जान फराम करना आई ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी जमींदारों तरफ मंग कर आम अत मामलस कुन गोन दिन युन युन जमींदारन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। जनाब मे नाव मोहम्मद अबुल मीर, मुश्किल यम इस अंद खोल टू खुसरपुर तान कष्ट वन कष्ट मान नहरी यह गोम बंद अत मे कनाल पंच शेठ सा आम थोद ज्यादा अत मे कत कनाल आबाद पदम जो सास त्रवाह किन चौदह मज कर खुत तथ न नाव कंस यह गाय सह आज पगह आज पगह तो अत ग लगन अत गहरबानी कर लगन अकी अंद त्रावन ये मेस वो बोन अकी अंद क्या मेस त्राव तम फित फसाद वसान आज बोल दिवान बोलिस पे मज खस अगे वह गोरमेंट कष्ट अगर गोरमेंट कष्ट बंद ग तेल क्या फायदा आव अल ही कथा सोन जमीन बर्बाद गुमत अस बन दानि यह ये मे दानस तृह ठेल ना तथा द्रा यह खबर सत्त ठेल तश पा हट तो मेहरबानी कर तो लुक दस सागर सहारा कहल मजीद पारे बजी खोजन रोजान खुश महल अस जबरदस्त मुश्किल अस गई तमाम महकमन गई पे मगर कहें करा गरीबन सज बज कह जनाब अस आज खोट खुसरपुर यह कठ वन कठ यह आम पर्वन अस गई मुश्किल अत मीत गरीब अत मुमार रुस्त यम कह बिचार सहारा तो अच्छ पे ये मिथ गक साइड अस ग वह नबरदस्त तंग आम वांगत कंगन गांधरबल के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आम यदव मुकामी सड़क हिं खस्ताहाली हवाल कई आई फिर हुकामन हूं जोन इलाक कुन फिर आव ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पे मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मंग कर आम सड़क हिं शहर पर हवाल गन कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। गाड़ी के चलने के लायक तो वो कम नज़र आती है, घोड़े बल्कि अब हमारे यहाँ घोड़े रखे हुए हैं हमारे बच्चों ने, वो शौक करते हैं घोड़े दौड़ाने के, लेकिन इस रोड के टूट फूट होने की वजह से घोड़े को भी इस पर नहीं चलाते हैं, कनाल के किनारे किनारे चलाते हैं, तो उस रोड की नागुफ्ता भी हालत है और बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ का सामना होता है। और जहाँ तक कहीं छोटी मोटी लिंक रोड है, इसमें ये जिस बस्ती में मैं हूँ ये हमारे पेट खानन की गुजर बस्ती है, इसमें इस रोड को महकमा देहात सुधार ने एक ज़माने में मामूली से बनाई थी, फिर उसके बाद R&B वालों ने इसको इम्प्रूव किया थोड़ा, फिर उसके बाद जो कि सूरत हाल रही रोड़ी वोड़ी एक ज़माने में डलवाई थी, लेकिन फिर उसके बाद चूँकि उसको कंपैक्ट नहीं की तो आपने ख़ुद देखा होगा कि क्या सूरत हाल है। ये इलाका जो है इसी रोड पे नारा नाद पड़ता है, देखते हैं जो हमारा ये रोड है ये खस्ता हाल होकर एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, इसको रिपेयरमेंट की ज़रूरत थी अगर ज़रूरत भी है, और आपने देखा होगा पिछली बार भी इस पर काफ़ी कुछ काम हुआ था,
लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है लोग उससे, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसको एक दफ़ा फिर रिनोवेट किया जाए। आप देखते हैं कि अभी सरमा आने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, आप देखते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें तकालीफ से गुजरना पड़ता है। हमारी इस्तदा है जो हुकामी वाला है, डीसी मैडम है या इसी तरह एसडीएम साहब है या जो ये रोड के मुंसलिक जितने भी अफसरान हैं, कि उन्हें इस पर काम करना चाहिए और जो लोगों को परेशानियां हैं और जगह जगह इस पर इनक्रेजमेंट हो चुके हैं। लिहाजा हमारी एक दफ़ा फिर ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल एसडीएम कन्नन से हमारी गुजारिश है कि इस रोड की तरफ ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए। और आप देखते हैं इस इलाके में तकरीबन ये इलाका 15 से लेकर 18 हज़ार नफूस पर यह मुश्तमिल है, लेकिन इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, खास इस रोड की वजह से हमें बहुत तक। हीरपुर शुपियन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद जदवे कैयाई फिर इंतजामियास इलाकस मज ए टी एम नसब कर हवाले जान फराम कर आये, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूकन तो वादी इन वाल सयान सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग कर आमुत जलाकस मज ए टी एम नसब कर हवाले ग संजीद कदम तुलने यन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे। है शुपयान का आखिरी गांव मुगल रोड पर वाक़ है, यहाँ से आप देख रहे हैं कितने टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त भी यहाँ 10-20 गाड़ियाँ हैं, ये छोटा मोटा मार्केट है, यहाँ किसी को पैसे खर्च करने होते हैं मार्केट से कई चीज़ें। यहाँ आप दुकानें देखोगे कि अलग से इन्होंने दुकानें बनाई हैं, कोई चीज़ पसंद आती है किसी खरीदार को तो वो चाहता है मुझे ATM होगा यहाँ बैंक होगा तो मैं पैसे लूँ और वो चीज़ें खरीदूँ, लेकिन बदकिस्मत से यहाँ ना ATM है ना बैंक। देखा ये मागो रोड है जो कि कौमी शहरा है, शोपियन डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है ये। यहाँ से आप जो कि आगे जो आता है दबजन से आगे कोई बस्ती नहीं है यहाँ। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें यहाँ पे एक ATM और बैंक, जो कि खासकर यहाँ से एक सयाह आते हैं, पुनिश के आते हैं, राजौरी के आते हैं, दिल्ली के भी यहाँ से जाते हैं, लेकिन उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत मुश्किल गुजारना उनको पड़ते हैं। हमारी सरकार से ये डिमांड है, मेहरबानी करके इस जो ये इलाका है हीरपुरा इलाका, ये एक दहती इलाका है और लास्ट इलाका है शोपियन डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ हमें एक बैंक होना चाहिए। और हमें तो नाजरीन इत सत वोत कशर खबरनामा दी इजाज़त खुदा सवाल।